नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। 76 साल पहले यानी कि लगभग 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमला किया था। इसके लगभग 3 दिन बाद ही जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। दोनों शहर लगभग पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। 2 लाख से अधिक लोगों की जाने चली गई थी और जो बच गए उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। आइए जानते हैं दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी के बारे में। रिपोर्ट देखिए। पैतालीस आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। स्कूलों के मैदान और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से अब बेहद दूर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ साइकिलें, पैदल चलते लोग और सैनिक वाहन दिखाई दे रहे थे। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते आते अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की भौहें इस तरह से झुलस रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा हुआ पोस्टर झूलता रहता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। उनके मुँह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, वो थी पानी। करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। एक काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियोएक्टिव तत्व मौजूद थे। वास्तव में काले रंग से भी गहरी बारिश थी, कुछ कुछ ग्रीस की तरह, जो दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। दूसरी तरफ 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सातोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने एक दोस्त के साथ रात बिताई थी। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उनके चेहरों को टूटे हुए शीशों ने घायल कर दिया। उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार माने जाते हैं। उन्होंने डोमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिटेक्ट कराया। 8:00 उन्हें अंधा कर देने वाली रोशनी दिखाई दी। इतनी जोर से धमाका हुआ कि खिड़की से शीशे टूटकर कमरे के अंदर चारों तरफ फैल चुके थे। उन खिड़कियों से इतनी तेजी से हवा अंदर आई कि डॉक्टर तकाशी हवा में उड़ने लगे। उनके चेहरे के दाहिने हिस्से में कट लग गया। उनके गाल और गर्दन से गर्म गर्म खून बहने लगा। उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि उन्हें कोई दर्द आखिर महसूस क्यों नहीं हो रहा। अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में आखिर क्यों नहीं आ रही। वहाँ मौजूद सुनियो तोमिता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कामोतो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में उनकी कंधे का सिर्फ मांस ही आ पाया और वो फिर से नीचे गिर पड़े। ज्यादातर मरने वाले या मरते लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था।